जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी और आर्मी में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी है। बहुत बच्चे आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको डिफरेंस नहीं पता कि एसएससी जीडी और आर्मी में क्या डिफरेंस है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्मी और एसएससी जीडी को सेम ही मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए और आर्मी में कोई डिफरेंस नहीं, यानी सभी को आर्मी बोलते कुछ लोग। और ज़्यादातर आपने भी सुना होगा जैसे किसी भी फोर्स के बारे में, तो भाई सेना ने ये कार्रवाई की, तो कई बार वहाँ पर सीआरपीएफ होती है, कई बार बीएसएफ होती है लेकिन नाम सेना का आता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज रहता है कि एसएससी जीडी और आर्मी में बहुत सारे डिफरेंस है, जो बड़े बड़े क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें सिमिलरिटी, यानी क्या इनमें सेम सुविधाएं हैं, क्या इनमें अलग है, आर्मी में कौन कौन सी सुविधाएं एक्स्ट्रा है, या सीएपीएफ जो कि एसएससी जीडी द्वारा, यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, जो ये आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसके अलावा बाकी सभी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, असम राइफल को कौन सी अलग से सुविधाएं मिलती है, या इन सभी फोर्सेस को कौन सी सुविधाएं मिलती है, आर्मी को कौन सी सुविधाएं मिलती है और इन सुविधाओं में क्या क्या अंतर है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डिफरेंस बताने वाला हूं, ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में आपको पता चले कि अरे मैं कौन सी तैयारी कर रहा था, मुझे तो कुछ इसका बारे में नॉलेज ही नहीं है कि मैं किस प्रकार से तैयारी करूँ, किस प्रकार से नहीं करूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बंदा तैयारी करने लगता है तो वो सोचता है कि आर्मी और एसएससी जीडी में डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस है दोस्तों। साथ ही एक चीज़ मैं बता दूं, अगर दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी ये बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन ये ऑल इन वन बुक है, यानी इसमें सभी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके और हिंदी, यानी चारों पार्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, चारों की चारों पार्ट है। बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्ट किया गया है, आप सभी देख रहे हो, बहुत ही अच्छी बुक है ये एसएससी जीडी के लिए। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किए तो परचेज़ कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पिन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, बहुत ही अच्छे इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ, आप अगर पढ़ के देखिए, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद ने देखी। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें एसएससी जीडी की और आर्मी की, सबसे पहले मैं आपको आर्मी की वो सुविधाएं बताता हूँ जो केवल आर्मी में दी जाती है, एसएससी जीडी में वो सुविधाएं नहीं है। तो वो कौन कौन सी सुविधाएं, शुरुआत से करें तो एक्स सर्विसमैन का कोटा, ये केवल डिफेंस में दिया जाता है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें दिया जाता है एक्स सर्विसमैन का कोटा, जो एसएससी जीडी में नहीं मिलता है। उसके बाद में सेकंड, शहीद का दर्जा आर्मी के, यानी केवल सेना के जवानों को ही दिया जाता है एसएससी जीडी में, जो सीएपीएफ में या पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं उनको नहीं दिया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी जो पेंशन सुविधाएं वो किनको दी जाती है, केवल डिफेंस को दी जाती है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को, जो एसएससी जीडी में के द्वारा या सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो पेंशन सुविधा है वो एनपीएस, जो कि कई प्राइवेट सेक्टरों में भी है, तो वो अलग से कोई पेंशन सुविधा। ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, वो केवल किसके लिए, केवल आर्मी के लिए दोस्तों। उसके अलावा सीडीएस कैंटीन सुविधा, सीडीएस की जो कैंटीन सुविधा है वो केवल आर्मी को दी जाती है, जो कैंटीन की सुविधा। अब आप बोलोगे सर एसएससी जीडी के जवानों को या सीएपीएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को भी तो कैंटीन सुविधा मिलती है, लेकिन वो मिलती है सीपीसी। सीपीसी और सीडीएस कैंटीन सुविधा में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, सीपी जो कैंटीन सुविधा मिलती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज को मिलती है, आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज को मिलती है, एसएससी जीडी के जवानों को मिलती है, उसमें क्या होता है कि जीएसटी लगता है, और इसमें क्या होता है जीएसटी माफ़ होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है, डायरेक्ट कंपनी जो प्रोडक्ट जिस रेट में खरीदा जाता है उसी रेट में सेल होता है, इसमें जीएसटी कर लगता है सीपीएस कैंटीनों में, और सीडीएस कैंटीन में वो नहीं लेता। एक रिलेशन, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरे फादर सीआरपीएफ में, मेरे भाई सीआरपीएफ में, या मेरा बहन सीआरपीएफ में, या बीएसएफ में, आईटीबीपी में, और कौन से फोर्स, तो क्या सर हमको रिलेशन मिलेगा, कुछ नंबर मिलेगा, तो दोस्तों नहीं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। जबकि आर्मी में क्या मिलता है, रिलेशन, फादर का भी रिलेशन मिलता है, ब्रदर का भी रिलेशन मिलता है, रिलेशन की अलग से वैकेंसी भी होती है, नहीं जिनके फादर मदर, सॉरी फादर या ब्रदर कोई भी अगर आर्मी में है तो उसके भाई को या उसके बेटे को आर्मी का अलग से रिलेशन मिलेगा। जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है जिसमें रिलेशन दिया जाए दोस्तों। इसके अलावा आर्मी की जो मेडिकल सुविधाएँ होती है वो स्पेशली आर्मी के हॉस्पिटल बने होते हैं, बाकी जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनके कोई विशेष हॉस्पिटल नहीं है, ये बाहर के जो हॉस्पिटल, हाँ मेडिकल सुविधा इनमें भी मिलती है लेकिन बाहर के हॉस्पिटलों में मिलती है, जिसका मतलब जो आपका पैसा बनता है वो आपका डिपार्टमेंट पे करता है, ऐसी नहीं मिलती, नहीं मेडिकल सुविधाएं सेम मिलती है, थोड़ा सा फ़र्क है कि आर्मी के खुद के पर्सनल हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों। ये कुछ आर्मी के बेनिफिट्स हैं जो केवल आर्मी को जवानों को ही दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो दोनों में सेम है, यानी दोनों में समान है, तो वो कौन कौन सी है, तो मैं बता दूँ
सबसे पहले दोनों में जो सैलरी होती है वो समान है, यानी बेसिक पे आर्मी का और एसएससी जीडी के जो जवानों को जो अभी जो लगता है 21,700 वो समान है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। थोड़ा बहुत 100-200 रुपए का फ़र्क हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं होता। बेसिक पे दोनों का समान है, हर एक रैंक पर बेसिक पे समान है। जो कॉन्स्टेबल से आप इसमें लगते हो, चाहे जीडी जनरल ड्यूटी से आर्मी जीडी में लगते हो, तो आपकी बेसिक समान ही होती है, दोनों की अभी प्रेजेंट टाइम में समान है। उसके बाद में आपका डीए, दोनों में डीए समान लगते हैं। मेडिकल सुविधा, जैसे मैंने बताया कि आपको आर्मी में मेडिकल सुविधा ये है कि आपको आर्मी के हॉस्पिटल मिलते हैं, इनमें बाहर के हॉस्पिटल मिलते हैं, लेकिन आपको मेडिकल सुविधा आपके साथ में आपके परिवार की पूरी मेडिकल सुविधा दोनों में मिलती है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले लेकिन दोनों में मिलती है। ठीक है, मेडिकल सुविधाएँ दोनों में मिलती है, ऐसा नहीं कि केवल आर्मी में मिलती है या बीएसएफ में मिलती है या सीआरपीएफ में मिलती है, ऐसा नहीं, दोनों में ही मेडिकल सुविधाएं मिलती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा बाहर मिलती है, जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस है इनमें बाहर मिलती है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ, असम राइफल को सीडीएस कैंटीन सुविधा मिलती है, यानी असम राइफल पैरामिलिट्री फोर्स है। आपको मैं बता दूँ, केवल इंडिया में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो असम राइफल, एक कोस्ट गार्ड, नेवी का, ये दो ही पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो वास्तविक रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेस है। बाकी जितने भी फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सभी आर्मड पुलिस फोर्सेस है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस है और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसीलिए उसको सीडीएस कैंटीन सुविधा यानी आर्मी की कैंटीन सुविधा मिलती है। जो लिक्विड कार्ड है वो भी आर्मी में मिलता है, इनमें नहीं मिलता। अब बात करें बच्चों की एजुकेशन, तो दोस्तों एजुकेशन दोनों में मिलती है, एजुकेशन की जो सुविधाएँ होती है वो दोनों में मिलती है, चाहे ये सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, सभी में जो बच्चों की एजुकेशन की जो आपको जिसको बोलते हैं चाइल्ड अलाउंस कुछ ऐसा मिलते हैं, चाइल्ड स्कूल अलाउंस कुछ ऐसा उसका नाम करके है, तो वो दोनों में मिलती है, ऐसा नहीं कि केवल आर्मी में मिलती है, वो आपको इसमें भी मिलती है। लगभग 54,000 के आसपास दो बच्चों के लिए, मतलब 27,000 अभी प्रेजेंट टाइम में सालाना फीस के रूप में मिलते हैं, वो दोनों में ही मिलते हैं। तो दोनों के डी ए सेम है, इंक्रीमेंट भी दोनों में बराबर चलते हैं, इंक्रीमेंट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों के इंक्रीमेंट बराबर चलते हैं। फ़र्क आता है रिस्क अलाउंस में, तो दोनों के रिस्क अलाउंस के रूल्स अलग है, यानी सीआरपीएफ जैसे एसएससी जीडी के थ्रू जितने भी जवान भर्ती होते हैं या सीएपीएफ में जितने भी जवान भर्ती होते हैं, तो उनके अलग अलग फोर्स वाइज अलग अलग रिस्क अलाउंस चलते हैं, यानी सीआरपीएफ का अलग है, बीएसएफ का अलग है, आईटीबीपी का अलग है, और इसी प्रकार आर्मी में भी अपने रिस्क अलाउंस चलते हैं, उनके हिल एरिया वाइज रिस्क अलाउंस होते हैं, हाई एरिया वाइज होते हैं, और इनमें जो रिस्क के आधार पर, मतलब वो अपने सभी डिपार्टमेंट अपने स्तर पर रिस्क अलाउंस डिसाइड करती है, लेकिन अलग से जैसे डिफरेंस उसमें कोई है नहीं, यानी सैलरी आपकी सेम रहती है। इसके अलावा आपकी जो रेलवे सुविधा मिलती है, रेलवे वारंट, वो भी दोनों में समान मिलते हैं, आर्मी में हो चाहे आप चाहे सीएपीएफ में हो, दोनों में आपकी रेलवे फ्री मिलती है। थर्ड टायर का आपको रिजर्वेशन मिलता है, यानी वारंट मिलता है थर्ड टायर के लिए रेलवे का, तो वो आर्मी में भी सेम मिलता है और एसएससी जीडी में भी सेम मिलता है। अब बात करें इनकी लीव की, तो आप सभी को पता है कि आर्मी में 60 दिन ईएल और 28 दिन सीएल मिलती है, यानी टोटल 90 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक सीएसएफ को छोड़ के 60 डेज ईएल, यानी ईएल दोनों के समान है, लेकिन जो सीएल मिलती है वो कितनी है, केवल 15 दिन है और इसमें 28 दिन है। ठीक है, ये फ़र्क है, और उसके अलावा बाकी सेम, यानी इसमें 75 दिन की छुट्टियाँ, इसमें 90 दिन की छुट्टी है, और सीआईएसएफ में 45 दिन की छुट्टी है। सीआईएसएफ में छुट्टियां कम है, इसके पीछे मैंने बताया भी था उसकी छुट्टियां क्यों है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया कि आपकी फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ क्यों होनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि सीआईएसएफ को जो 45 दिन की छुट्टी दी जाती है वो क्यों दी जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो सर्विस होती है आर्मी में, आर्मी में आप सभी को पता है आप 16 से 18 साल तक सर्विस कर सकते हो अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो। अगर आप प्रमोशन लेते हो तो आप 20 साल सर्विस कर सकते हो मैक्सिमम। अगर आप एक ही प्रमोशन लेते हो, आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके प्रमोशन ले लेते हो तो आप ज़्यादा सर्विस कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो आपको 16 साल मिनिमम 16 साल सर्विस करनी है, और मैक्सिमम भी आपकी 18 साल हो सकती है अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो, यानी 16 से 18 साल के बीच में आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। लेकिन एसएससी जीडी के जो जवान हैं इनमें मिनिमम आपकी कितने ईयर की सर्विस है, 20 ईयर की, यानी मिनिमम आपको 20 साल सर्विस करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम आप 60 साल की उम्र तक कर सकते हो। पहले 57 साल की थी, अब 3 साल बढ़ा के 60 साल तक कर दिए, यानी 60 साल की उम्र तक आप इन फोर्सेस में अपनी ड्यूटी कर सकते हो, जबकि आर्मी में आप मिनिमम 16 साल और मैक्सिमम 18 साल अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो। अगर आप प्रमोशन लेते हो तो 18 से 20 साल के बीच में आपको रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा। अब बात करें इनकी भर्ती प्रक्रिया की, आप सभी को पता है कि आर्मी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 17.5 से 21 साल की एज मांगी जाती है। एज में और किसी भी प्रकार की ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, और कलर के लिए 23 साल की आयु रखी गई है, जबकि एसएससी जीडी में आपकी एज का क्राइटेरिया 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, और फिजिकल में भी अलग अलग प्रकार की छूट दी गई है। लेकिन आर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी में आपको सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए एक फिक्स मापदंड दिया हुआ कि जनरल ड्यूटी के लिए ये मापदंड, आपको 1600 मीटर की रनिंग, 5 मिनट 45 सेकंड का समय, 10 पुशअप,
टेस्ट मेजरमेंट वो बराबर, उसमें कहीं छूट नहीं दी गई। लेकिन एसएससी जीडी में ओबीसी को अलग छूट दी गई, एससी को अलग छूट दी गई, एसटी को अलग छूट दी गई। फिजिकल क्राइटेरिया में भी बहुत जगह एसटी को छूट दी गई है, इलाके वाइज भी छूट दी गई है, लड़कियों को भी छूट दी गई है दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंस आर्मी में और कुछ सिमिलरिटी थी आर्मी और एसएससी जीडी में, ताकि आपको पता चले। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, आर्मी की जॉब और एसएससी जीडी जॉब में कितना फ़र्क है, इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मी यानी डिफेंस और एसएससी जीडी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की भी जो ये भर्ती करा रही है, इनमें कितने डिफरेंस है। तो ये आपके लिए पहला समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप तैयारी करते हो, लास्ट में फिर पता चलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था इनमें इतना डिफरेंस है, मैं तो सोचा सभी आर्मी है, तो सभी आर्मी नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।